पीसी बना दिया आपने, मुझे नहीं लिया, अभी ढेर लगा दी, गोली बिस्किट की तरह बांट रहे हैं आप सबको, लेकिन गरीब की धन्य है यहाँ, क्योंकि मैं कई समाज से भी आता हूँ, पूरे भोपाल में आप देख लो कई समाज है, विदिशा में कई समाज है, आपके नरसिंहगढ़, राजगढ़, सिलपुर सब में कई समाज है, लेकिन आप न्याय नहीं कर रहे, मैं सच बोल रहा हूँ सर, और एक बात बताओ, इधर मुंह करके बोल, माखी के सौगंध खा के कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह के दरबार के अलावा किसी से टिकट मांगने इस बार या कभी भी गया हूँ तो, कभी भी ना पचौरी भाई के पास, ना महाराज के पास, ना किसी एक भी व्यक्ति के, एक बार आपको आवेदन देके गया था और आपने मुझसे कहा था, फिर सुनो आप, एक मुझसे आपने मुझे दिल्ली बुलाया, आपने कहा मंटू विदिशा की तैयारी कर, मैंने तैयारी की, टिकट आपने शशांक को दिया, मैंने तैयारी की, आपने टिकट नारायण सिंह को दिया, आपके नाम की दिग्विजय रथ यात्रा मैंने निकाली, 101 गांव में घूमा, 101 गांव में वृक्षारोपण मैंने किए, और हमारे नेता राजकुमार पटेल को जब चाहे जब मुख्यमंत्री से लड़ा दो, सुषमा जी से लड़ा दो, उसकी टीम का सर्वनाश कर दिया, हम जहर खाने की स्थिति में है सर, बहुत जहर, आपकी कसम मैं अपने बच्चा लाया हूँ, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, ये पूछो आप, मेरे घर वालों की नींद आराम है, ये गलत है सर, आप न्याय करो कार्यक्रम, आप ऐसे सरोज में आपने, मैं किसी के टिकट की नहीं कहूंगा, लेकिन क्या दो ब्राह्मण वहां लड़ रहा है सर विदिशा में, सपाक से और आपसे, और आपने तीसरा ब्राह्मण दे दिया, शशांक भार्गव कभी आपने आपको ब्राह्मण कहता है, कभी बनिया कहता है, दो टिकट मिल जाते हैं गोवर्धन जी उपाध्याय जी को, शशांक को तो कल लगा मैं बनिया हूँ, अब फिर दो टिकट दे दिया, क्या है वो, उससे पूछो आप, नहीं गलत है सर, गलत है, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बहुत विचलित, बहुत परेशानी की स्थिति में हूँ, और मैं सर पत्रकार हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, राइटर हूँ, एडवोकेट हूँ, और मुझसे अच्छा कोई बोल रहे मध्य प्रदेश में तो मैं चैलेंज करता हूँ, भाषण रही बोलो सेठी जी, इसके बावजूद भी आप हमारी तरफ नहीं देख रहे, हमारे नेता की तरफ नहीं देख रहे, हमारे लोगों की जिंदगी खराब हो गई, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, सच बोल रहे हैं हम, दो दो तीन तीन बच्चे हम ना काम कर रहे, नाम राजनीति के, हम जाए तो जाए कहाँ सर, आप ये बताइए, मतलब अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, आप न्याय करिए ना, और सही टिकट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही टिकट नहीं दिएगा, वो कहता है मैंने अशोक गहलोत को खरीद लिया, वो कहता है शशांक, वो कहता है मैंने बाबरिया जी को पैसे दे दिए, मेरे पॉकेट में पहले ही जुलूस निकाल देता है, पहले ही ऑफिस खुल जाते हैं, अन्याय मत करो सर हमसे, बस आज जैसा आज आपने कहा, आप पहले बुला के कहते हैं मंटू मैं शशांक को टिकट दे रहा हूँ तुझे काम करना, अगर नहीं करते थे, लेकिन अब हम पे आप हम पे आप दबाव बन पा रहे, क्योंकि आपकी आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर नहीं सकते, अच्छे हम घर बैठेंगे इस बार, ये हम आपसे बिना प्रॉब्लम नहीं करना, बस इसके बाद जो है राजा मैं ये गलत कह रहा हूँ, आपने दिशा में इधर आओ राजा मैं, इधर कैसे कैसे लोगों को आपने, अरे साहब कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बन गए, कैसे जब मैं मेरा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का टाइम आया तो कहने लगा उम्र छोटी है, तीन बार मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सिरोंज में भी गलत निर्णय लिया गया है, आज आया तो मैं उसकी उम्र चौवन साल सिरोंज में भी गलत निर्णय लिया है, सिरोंज में अरे आओ ना, एक शब्द भी अगर मेरा अक्षर का गलत हो और बेईमानी करता है सर, अपमान करता है आपके लोगों का, अरे सिरोंज में भी गलत निर्णय लिया गया है, सिरोंज में उनके 100 वोट नहीं है, इनने उसको टिकट दे दिया, एक बात सुन, बिल्कुल नहीं, एक बात सुन ले, जब ये बोल रहा है तो क्या नाम है तेरे,